अपना राज्य के लिए वो अच्छी बात नहीं है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व करना चाहिए। तो जैसे मैं अभी अपना कमेटी का रिपोर्ट जैसे ही कैबिनेट में आएंगे तो उसका हम चर्चा करके इसको हम रिजॉल्व करेंगे। और मेरा ये अपील रहेंगे कि जो अभी इस इशू को लेके जो लोग ना समझ कर रहा है तो उसको आप लोग पहले अच्छा से छानबीन करके आप लोग देखना बहुत ज़रूरी है कि पीआरसी का एक्चुअली जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है। पीआरसी का मतलब ये है कि मतलब अपना जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये कोई किसी को एसटी हम लोग दे नहीं रहा है। अभी जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ इतना जो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन अचानक पीआरसी के लिए क्रॉप अप होके किसी का हेड एंड टेल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अभी उभर के आ रहा है। सो दिस आर नॉट अ गुड थिंग फॉर द एंटायर स्टेट। तो इस प्रकार का जो चर्चा जो करता है स्टेट लेवल में, अगर आपको इशू लेके आना है तो बैकग्राउंड वगैरह चेक करके अच्छा से लेके आए। मैं बोला है कि हमारा जो टीम अरुणाचल सरकार है बहुत ही इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, हम लोग सबके साथ में चर्चा करने के लिए हम लोग रेडी है। और इसमें ज़्यादा पैनिक होने के लिए कुछ मुझे दिख नहीं रहा है कि इसमें ज़्यादा पैनिक होने के लिए। सर एयरपोर्ट इशू में आपने जूमी में भी कहा था काफ़ी पॉलिटिकलाइज नहीं करने।